मार से परेशान होकर एक नाबालिग लड़की घर से हुई फरार। काशीपुर के आलीगंज से एक नाबालिग लड़की ने अपने भाई की मार की वजह से परेशान होकर उठाया एक बड़ा कदम, अपने परिवार को बिना बताए घर से फरार हो गई और अपने घर से 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक टेम्पू में बैठकर महू आखेड़ा पहुंची, फिर दूसरे टेम्पू की मदद से काशीपुर पहुंची और फिर तीसरे टेम्पू की मदद से हल्दुआ पहुंची, फिर हल्दुआ से रामनगर आ गई। रामनगर में एक समाज सेवक महिला को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय के पास घूमती हुई मिली। उक्त महिला ने उससे बात की तो वह नहीं बोली। महिला को शक हुआ, फिर वो उसे पूर्व उपाध्यक्ष महिला आयोग अमृता लोहनी के कार्यालय ले आई। अमृता लोहनी ने उस नाबालिग लड़की से बात की और सहानुभूति दिखाई, फिर उस लड़की ने रोते हुए अपनी आप बीती बताई। अमृता लोहनी ने रवि कुमार सैनी कोतवाल को फोन पर सारी घटना को बताया और लड़की के चाचा और रिश्तेदारों से भी बात की। रवि कुमार सैनी ने उस लड़की को रामनगर कोतवाली में लाने को कहा। अमृता लोहनी ने उस लड़की के जीवन रक्षा कर मानवता की एक बड़ी मिसाल कायम की है। अगर वह लड़की किसी गलत हाथों में पड़ जाती तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता और अंधकार में चला जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया। अभी अभी आपके पास एक मामला आया है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये नाबालिग बच्ची है, ये अभी मेरे ऑफिस में एक मेरी पड़ोस में मिला है, वो इस बच्ची को लेके बाजार में घूम रही थी। इस बच्ची को लेके मेरे पास मेरे ऑफिस में पहुंची है। ये बच्ची जो है अलीगंज और अलीगंज की कुकर झुंडी गांव की रहने वाली है और ये बता रही कि मेरे भाई से कल शाम झगड़ा हुआ था और उसके बाद इसने सवेरे करीब 7 बजे उठ के 300 रुपये लेके यहाँ पे रामनगर पहुँची है। अभी ये मेरे ऑफिस में आई है। मैं इसको यहाँ से अभी कोतवाल साहब से भी मेरी बात हुई है, इसके परिवार वालों को भी मैंने बता दिया है कि ये बच्ची यहाँ सुरक्षित है। महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष के ऑफिस में यहाँ पर पहुँची है और सुरक्षित है, आप लोग आइए इसे लेके जाइए। और अभी मैं कोतवाल साहब को भी फ़ोन कर दिया, वहाँ इसको कोतवाली में सौंपने जा रही हूँ, वहाँ इसके माँ बाप आएंगे, वहाँ पर उनको सौंपे।